हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल टाइमलेस एजुकेशन। और दोस्तों आज हम एक बहुत ही नए टॉपिक के साथ और बहुत ही एक ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को याद करें, किस तरीके से इतने कम टाइम में हम इसे पूरा अटेम्प्ट करें और भूलने की इसमें बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों ये मैं बहुत ही आसान ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ और इस ट्रिक के थ्रू आप 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप अपने कोई भी इस मतलब फिगर नंबर वाला चैप्टर कोई भी अगर टेस्ट करेंगे तो उसमें आप 100% पूरी एक्यूरेसी के साथ 100% पूरा चेक करेंगे। और दोस्तों गारंटी है मेरी आपकी, बस जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाना, कुछ भी रटना नहीं है, बस आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। उस कॉमन सेंस के साथ दोस्तों आप 100% ये एक्यूरेसी के साथ इस वाले टेस्ट को, मेमोरी टेस्ट, जो कि इसमें आपको 21 इमेजेस दिखाई जाती हैं एक में और 21 दूसरे टेस्ट में दिखाई जाती हैं, इसमें आप 100% दोस्तों आप लेके आएंगे। बस मैं अब आता हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट करे और आपको इस टेस्ट में आपको आगे बताता हूँ कि आप किस तरीके से करना है। मैं आपको सबसे पहले इसमें कुछ फिगर दिखाऊंगा, आपको इसमें कुछ फिगर दिखाऊंगा। देखिए जैसे फिगर आए हैं आपके सामने, ये देखिए ये आपके सामने पहला फिगर आ चुका है। अब जैसे यहाँ पे बच्चे क्या कन्फ्यूज़ होता है कि 2 मिनट 3 मिनट का टाइम है, इसमें कैसे इतने नंबर्स को हम याद रखें। तो इस नंबर को याद करने के लिए आपको मैं देखिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, जैसे कि क्या है। अब जैसे ये सारे नंबर हैं ना, आपको किस तरीके से जल्दी से याद करना है, तो आपको उसके लिए मैं एक टाइम मैनेजर बताता हूँ कि आपको 2 मिनट तक क्या करना है। 2 मिनट तक को आपको इन नंबर से रिलेटेड कुछ भी बना लेना है। अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप देखिए कितने आसानी से बनाएंगे और एकदम सारे नंबर आपको रट जाएंगे। उसके बाद आखिरी का जो 1 मिनट होगा उन्हें जल्दी से इन सारे नंबर को रिविजन कर लेना और फिर आप देखेंगे आप 121 में से 21 नंबर गारंटी के साथ दोस्तों सही करेंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली 2 से 3 दिन तो आप 100% सारे टेस्ट सही करेंगे। तो देखिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ कि इसे कैसे करके करना है। तो दोस्तों देखिए पहला जो टॉपिक है इसमें हम देखते हैं कैसे करके करना है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ आपको सीडी दिख रही है, तो ये मान के चलिए 19 साल पहले सीडी चलती थी, अब बंद हो चुकी है। दूसरा फिगर देखिए कि ट्रेन है, ट्रेन से रिलेटेड क्या मान लेते हैं 46 लिखा है, तो 46 साल का बंदा ट्रेन चलाता है। अब देखिए यहाँ और एक बार बताता हूँ कि जैसे कॉमन नंबर जैसे 55 नंबर आया या 22 आया या 34 आया, ये मतलब जो नंबर जिनके नंबर दोनों अंक बराबर है, तो हम क्या करते हैं फिगर को 20 से बांट लेते हैं। कोई भी फिगर हो, जैसे कि कोई कार्टून आ जाए, कुछ भी आ जाए, इसमें क्या 55 आया, तो यानी मान लीजिए देखिए 2 हिस्सों में, तो इसका मतलब ये 55 55, 5 5 का दोनों हिस्से हैं। अब देखिए क्या है 27, ये बना है दिल, दिल बनाया यानी 27 साल की उम्र में जो है वो दिल लग जाता है आदमी का, या जो कुछ भी कह सकते हैं आप कि ऐसे याद रखिए 27 साल में आदमी का दिल बिगड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32, तो मान लीजिए इसके जो इसकी माता है यानी इसकी मदर है उसकी उम्र 32 है, ठीक है। ये सिलाई का आया 11, 11 के क्या मान लीजिए हमने 11 कपड़े सिलाई को दिए थे, ठीक है। ये 10 है तो इसमें 10 लीटर पानी है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए जैसे कि वाला, इसमें कहते देखिए टोटल 4 पहिए हैं, तो 3 और 1 4, इस तरीके से इसका मान लीजिए 20, इस पर 20 किलो वेट रखा है, ठीक है। इसका हाथ का मान लीजिए 26 26 26 साल की उम्र में ये जो है ये अच्छी पोस्ट पे गया, तो इसे एक अच्छा पैन मिला, कुछ भी मान लीजिए 26 साल में इसे पैन मिला। ये देखिए इसका 57, कैसे 57 साल की उम्र में मैंने स्केटिंग स्टार्ट करी थी, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ देखिए 2, यहाँ पे 1 और 2 कैसे मानेंगे, इसका मान लीजिए 12 लोगों की टीम के साथ इस बॉल से खेलते हैं, इसका देखिए क्या 34, इसका 34 का हम इसे कैसे मानेंगे, जहाज है इसमें 34 लोग बैठते हैं, ठीक है। इसका 75, तो ठीक है, तो ये मान लीजिए कि 75 लोग की जो है वो टोटल टीम है जैसे बेसबॉल खेलते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो मान लीजिए कि 75 साल के लोग बेसबॉल खेलते हैं, 75 लोग की टीम बेसबॉल खेलती है, या फिर कुछ मान लीजिए 75 रुपये की बॉल है, कुछ भी इनमें से कोई भी फिगर में से एक चीज मान लीजिए। अब देखिए अगला फिगर आया ये प्लेन में 25 लोग बैठते हैं, ठीक है। अब इसका 36 का कैसे मान सकते हो, देखिए ये इसका 36 आप कैसे मानोगे कि ये मैं 36 रुपये का लेके आया था, ये जो बेबी है या जो भी टेडी बियर है 36 का लेके आया था। उसका देखिए फ़ोन हो गया, फ़ोन का कैसे मानेंगे कि कल ही मेरे पास 21 फोन कॉल्स आई थी। अब जैसे 98 का कैसे मानेंगे, 98 का कैसे मानेंगे, देखिए 98 का मान सकते हैं मधुमक्खी टाइप की आपको कुछ नज़र आ रही है, ठीक है। तो मधुमक्खी को मतलब देखने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये मधुमक्खी हैं जी, 98 मधुमक्खी ने अटैक कर दिया, देखिए टारगेट का निशान है ना, टारगेट टाइप का। इसका देखिए 51 का कैसे मानेंगे कि 51 आदमी बैडमिंटन खेल रहे थे। अब देखिए जैसे यहाँ पे प्लेन का क्या, इस प्लेन में 76 आदमी है, इस प्लेन में कितने हैं 25। ये देखिए थोड़ा बड़ा टाइप का प्लेन है, ये थोड़ा छोटा टाइप का प्लेन है, कुछ भी मान लीजिए एनीथिंग यू, जो भी आपके दिमाग में पॉइंट आता है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको, कुछ भी पॉइंट मान लीजिए कि प्लेन की रफ्तार, इसकी प्लेन की रफ्तार 25 थी, इसकी 76 थी। अब देखिए ड्रेस है, 38 साल की लड़की की ड्रेस है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको देखो कितना आसानी से सारे फिगर बताया, एक बार रिवीजन करते हैं फिर आप देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। अब देखिए गारंटी के साथ पूरे फिगर सारे ठीक करेंगे। देखिए 19 साल के बच्चे सीडी चलाते हैं, इसमें 46 साल की उम्र का बैठा हुआ, इसमें 55, बहुत तेजी से बताऊंगा, इसमें 55 क्योंकि बराबर बराबर है, और 27 साल में दिल लगता है, 32 साल की इसकी मदर है, 11 और इसमें क्या गया 11 कपड़ों को आपने सिलाई के लिए, इसमें 10 लीटर पानी आएगा, इसमें 3 और 1 4 जो है, इसमें 20 किलो वेट है ट्रॉली पर, इसमें 26 है, और इसमें 57 57 साल की उम्र स्केटिंग करते हैं, और इसका क्या है
ये इसका मान लीजिए 12, क्योंकि 12 लोग टीम में खेलते हैं, उसके बाद इसमें 34 लोग बैठ सकते हैं जहाज में, जहाज में 34, उसके बाद इसमें कितना, ये 75 की बॉल मान लीजिए, ये 25 की रफ्तार है, इस वाले प्लेन की कितने की रफ्तार है, 76 की रफ्तार है। अब जैसे इसमें आ जाइए आप, इस वाले टेडी बियर का क्या, 36 36 रुपये का टेडी बियर लेके आए थे, फोन कॉल्स कितनी है, 21 21 फोन कॉल्स करी, ठीक है, और 98 टारगेट, 98 क्या, 51 का मान लीजिए, क्या 51 का मान लीजिए कुछ भी, कि 51 का बैडमिंटन आया था, और इसमें 38 साल की लड़कियाँ ड्रेस पहनती हैं। तो देखिए अब आगे, अब आएंगे आंसर पर, तो आप खुद चेक करना। अब आप देखिए हाथ से क्या था, हाथ का आपको याद होगा क्या, हाथ का क्या आंसर था, हाथ का आंसर था 26, ठीक है, और ये जो लेडीज़ है वो कितने साल की लड़कियां जो थी, 38 साल की, ठीक है। बॉल का कितना था, 12 लोग टीम में खेलते हैं। इसी तरीके से प्लेन का क्या था, प्लेन की रफ्तार ये वाले प्लेन की 25 थी, दूसरे वाले प्लेन की आपको याद होनी चाहिए, दूसरे वाले प्लेन की कितनी रफ्तार थी, वो भी आएगा तभी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। उसका देखिए ये क्या है, टेडी बियर कितने का था, टेडी बियर आपको बताया था 36 रुपये का टेडी बियर लेके आए थे। उस तरीके से मधुमक्खी 98 हमला कर रहा था, बैडमिंटन 51 का था, और इसमें कितना वेट था, 46 का साल की उम्र का, इसका 55, देखिए बराबर से थे, 55 से ज़्यादा हुआ, इसकी मम्मी की उम्र 32 थी। अब इसमें कितना था, इसमें बी इसमें कितना पानी था, इसमें 10 लीटर पानी था। इस प्लेन की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा थी, कितनी थी, इस प्लेन की रफ्तार जो थी 76 के आसपास थी, ऐसी करके इसका याद रख लीजिए। कुछ भी दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना है। इस तरीके से आप अगर थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे 4 5 दिन भी। अब आप इसका देखिए जहाज का क्या था, जहाज में कितने लोग बैठ रहे थे, 34 लोग बैठ रहे थे। बेसबॉल का बैट कितने का था, बेसबॉल का बैट कितने का था आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था इसमें 75 रुपये की बॉल थी, है ना। अभी सीडी 19 साल के बच्चे चलाते हैं, ये देखिए दिल 27 साल के बच्चों को लगता है, 11.5 से 11 कपड़े आपने दिए थे। इस तरीके से इसका क्या था, जूतों में देखिए तो 4 पहिए थे, तो 3 और 1 4 हो गया। इसमें 20 का वेट रखा था, इसमें क्या था 21 फोन कॉल करी, और इसका आपका क्या था, जो ये स्केट चलाते हैं वो कितने साल के होते हैं, 57 साल के। तो इस तरीके से दोस्तों सारे फिगर आपको देखिए बहुत इजीली याद हो जाएंगे, और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने आपको आइडिया बताया है कि आप किस तरीके से सारे फिगर को याद करें, अपने मन से कुछ भी आइडिया बना लें, कुछ भी आइडिया कि हाथ में पेन था तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग भी बना सकते हैं, और आपका 100% दोस्तों मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पूरे के पूरे सही होंगे। लेकिन आपको बस मजाल ये है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थोड़ा अपने अंदर मतलब टेस्ट के प्रति थोड़ा मतलब नॉलेज भी लानी होगी, क्योंकि आपको कुछ जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, और धीरे धीरे मैं 5वें टेस्ट की कुछ ऐसी शॉर्ट्स वीडियो डालूंगा जिसमें आपको सिर्फ कॉमन सेंस बताऊंगा कि आपको करना क्या है, छोटे छोटे कॉमन सेंस होते हैं, गलतियाँ कहाँ होती हैं। तो बस इस फिगर में आपको मैंने पूरा बता दिया कि इस तरीके से आपको एक एक की चीज़, अगर यहाँ पर बच्चे की जगह कोई लेडी आती तो उसकी एज मान लेते, यहाँ पे कुछ भी आता, तो इस तरीके से आप बहुत तेज़ी से फिगर कर सकते हो, गारंटी बता रहा हूँ दोस्तों आपका पूरा सही होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। मैं आगे भी इस तरीके की बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, टोटल मिला के मैं इसमें 7 8 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा साइको टेस्ट आपका 100% कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, और चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर आपको किसी दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों।